देखो कसहरा पाया हुआ ये पंजाबी बंदा वा ये कोई भैयारी ना इतने कोई हिंदू सिख का बनावे निंग सिंह ने पालकी दे विच बाबा बलविंदर सिंह होया उत्थे गुरु साहब के सरूप च के आ फड़ के सिंह ने गुटक भी वढ़िया लत भी बढ़ती आ पहली बारी निंग सिंह के जिहड़ा स्थान ते कांड होया पहली बारी जिहड़ा सी दोषी बेअदबी का वह सोधिया तुहाडे सामने आ इस करके संगत नू बेनती आ भी आ देखो किवें इह दुष्ट साडे निंग सिंह के बाण दे विच साडे बाण दे विच ही आ के गुरु साहब दीआं बेअदबियां कराउंदियां एजेंसियां इह सुचेत रहिणा हुण पंजाब दे लोकां ने सिंघां ने ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आई बीन 24 पर। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आ रही है, जहां पर पता लगा है कि तरन तारण जो कि पंजाब का तरन तारण जिला है, वहां के एक दलित व्यक्ति जिसका नाम लखबीर सिंह बताया जा रहा है, उसकी निहंगों ने बहुत ही निर्मम हत्या कर दी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार पिछले 11 महीने से अपना धरना दे रहे हैं और ये व्यक्ति भी पिछले लंबे समय से वहां पर निहंगों के साथ देखा जाता था। निहंगों ने एक वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या की है और एक वीडियो हमारे सामने भी आया, जो वीडियो मेरे बिल्कुल बोलने के बाद आप देखेंगे, जिसमें निहंगों ने सीधे तौर पर कहा कि हाँ, हम इसकी हत्या कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को मारा गया है वो कह रहा है कि मैं गुरु जो गुरु का नाम लेकर वो बोलता है कि मैं इन्हें इजाज़त देता हूँ कि ये मेरा वध कर दे। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर किसी ने कितना ही बड़ा आरोप क्यों ना यानी कि किसी ने कितना ही बड़ा कोई जुर्म क्यों ना किया हो, क्या किसी को उसकी हत्या करने की इजाज़त देश के कानून में दी जा सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। निहंगों ने एक वीडियो जारी कर इस बात को बताने की कोशिश की है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा है वो जो गुरु का स्वरूप होता है वो उसे लेकर भाग रहा था, जिसके बाद उन्होंने उसके हाथ और पैर काट दिए और शायद ऐसी जानकारी सामने आ रही कि बाद में उसकी गर्दन को भी काट दिया गया और फिर उसे लोहे के इंग्लेरिंग्स के ऊपर टांग दिया गया। यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी निर्मम हत्या करने के बाद काफ़ी लंबे समय तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं निकली और आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से ये कह रहे हैं कि हाँ, इसने गुरु की बेअदबी की थी जिस वजह से हमने इसका मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस जांच में सामने आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या था, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है वो भी किसान आंदोलन के बीच, इससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको एक बड़ा मुद्दा ज़रूर मिल गया है। और वहीं किसान अब इस घटना को लेकर किस तरह से जो किसान नेता है वो सामने आते हैं, क्या कुछ कहते हैं, लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं, मीडिया भी इसका इंतजार कर रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि मामले की जानकारी पूरे तरीके से अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। क्योंकि बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जिस युवक को मारा गया है उसकी बीवी उसे 5 साल पहले 3 बेटियों के साथ छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो नशा करने का आदी था और पिछले लंबे समय से निहंगों के साथ बैठा था। आपको वो वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या, किस वजह से निहंगों ने उस व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसने गुरु के स्वरूप की बेअदबी की, वहां से लेकर भाग रहा था और निहंगों ने उसके हाथ पैर और बाद में उसकी गर्दन भी काट दी। दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और आशा करते हैं कि इस मामले की जो भी सच्चाई है, जो कुछ भी है, यानी सीधे तौर पर मर्डर हुआ है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए इससे भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन पूरा मामला था क्या ये सब लोग जानने के उत्सुक है। धन्यवाद। ना दस गर्दन महाराज की चबनी क्यों की, धन गुरु ग्रंथ साहब कौन चुके खड़े इतो
देखो कसहरा पाया है, ये पंजाबी बंदा वा, ये कोई भैयारी ना, इतने कोई हिंदू सिख का बनावे। ਨਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਟਕ ਵੀ ਵੱਢਿਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਢਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਨਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਸਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਾਈ ਆ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸ। ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸ, ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਓ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਬ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੈ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। देखो कसहरा पाया है, ये पंजाबी बंदा वा, ये कोई भैयारी ना, इतने कोई हिंदू सिख का बनावे। ਨਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਟਕ ਵੀ ਵੱਢਿਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਢਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਨਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਸਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आई बिन 24 पर। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आ रही है, जहां पर पता लगा है कि तरन तारण, जो कि पंजाब का तरन तारण जिला है, वहां के एक दलित व्यक्ति जिसका नाम लखबीर सिंह बताया जा रहा है, उसकी निहंगों ने बहुत ही निर्मम हत्या कर दी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार पिछले 11 महीने से अपना धरना दे रहे हैं और ये व्यक्ति भी पिछले लंबे समय से वहाँ पर निहंगों के साथ देखा जाता था। निहंगों ने एक वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या की है और एक वीडियो हमारे सामने भी आया, जो वीडियो मेरे बिल्कुल बोलने के बाद आप देखेंगे, जिसमें निहंगों ने सीधे तौर पर कहा कि हाँ, हम इसकी हत्या कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को मारा गया है वो कह रहा है कि मैं गुरु, जो गुरु का नाम लेकर वो बोलता है कि मैं इन्हें इजाज़त देता हूँ कि ये मेरा वध कर दे। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर किसी ने कितना ही बड़ा आरोप क्यों ना, यानी कि किसी ने कितना ही बड़ा कोई जुर्म क्यों ना किया हो, क्या किसी को उसकी हत्या करने की इजाज़त देश के कानून में दी जा सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। निहंगों ने एक वीडियो जारी कर इस बात को बताने की कोशिश की है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा है वो जो गुरु का स्वरूप होता है वो उसे लेकर भाग रहा था, जिसके बाद उन्होंने उसके हाथ और पैर काट दिए और शायद ऐसी जानकारी सामने आ रही कि बाद में उसकी गर्दन को भी काट दिया गया और फिर उसे लोहे के इंग्लेरिंग्स के ऊपर टांग दिया गया। यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी निर्मम हत्या करने के बाद
काफी लंबे समय तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं निकली और आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से ये कह रहे हैं कि हाँ इसने गुरु की बेइज्जती भी की थी जिस वजह से हमने इसका मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस जांच में सामने आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या था, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है वो भी किसान आंदोलन के बीच, इससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको एक बड़ा मुद्दा ज़रूर मिल गया है। और वहीं किसान अब इस घटना को लेकर किस तरह से जो किसान नेता है वो सामने आते हैं, क्या कुछ कहते हैं, लोग भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मीडिया भी इसका इंतज़ार कर रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि मामले की जानकारी पूरे तरीके से अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। क्योंकि बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जिस युवक को मारा गया है उसकी बीवी उससे 5 साल पहले 3 बेटियों के साथ छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो नशा करने का आदी था और पिछले लंबे समय से निहंगों के साथ बैठा था। आपको वो वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या, किस वजह से निहंगों ने उस व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसने गुरु के स्वरूप की बेअदबी की, वहां से लेकर भाग रहा था और निहंगों ने उसके हाथ पैर और बाद में उसकी गर्दन भी काट दी। दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और आशा करते हैं कि इस मामले की जो भी सच्चाई है, जो कुछ भी है, यानी सीधे तौर पर मर्डर हुआ है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए इससे भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन पूरा मामला था क्या ये सब लोग जानने के उत्सुक है। धन्यवाद। ना दस गर्दन ज्यादा गल नहीं है ओ जेड़ा भी गांव गुंडों के बेइज्जती करूंगा मैं गुरु ही असर होगा इन जिंदा हो जाऊंगा इन्हें भेजे तेनु सरदारा नु मारना टूट टूट किने भेजे तेनु ए गल सुनो पहले बोलो बोलो कहीं नहीं पे तेनु झूठा कोट खाना और पर कर लिया मेरा काटा परवाना कर पुत्रा बड़े घर चो कट के लिया देखो कसहरा पाया है ये पंजाबी बंदा वा ये कोई भैयारी ना इतने कोई हिंदू सिख का बनावे निहंग सिंह ने इन्हें पालकी दे बाबा बलविंद सिंह गुरु साहब के सरूप चके आ फड़ के सिंह ने यह गुटक भी बढ़िया लत भी बढ़ती आ पहली बार निहंग सिंह जिहड़ा स्थान ते कांड होया पहली बारी जिहड़ा सी दोषी बेअदबी दा ओह सोधिया तुहाडे सामने आ इस करके संगत नूं बेनती आ वी आ देखो किवें इह जिहे दुष्ट साडे निहंग सिंघां दे बाणे दे विच साडे बाणे दे विच ही आ के गुरु साहिब दीआं बेअदबियां कराउंदियां एजेंसियां इह सुचेत रहिणा हुण पंजाब दे लोकां ने सिंघां ने तुसीं इहनां तों सारे सुचेत रिहा करो किसी का तवार ना करो बाणे वाले ते भी इहने वी बाणा पाया सीगा कसहरा भी पाया होया इह साडे बाणे दे विच आ के गुरु साहिब दी बेअदबी करदा सीगा कबूल कर गुरु दे प्यारे सिंह मेरे गुट लाया है मेरी लत लाई है पिंड केड़ा तेरा ओ भी दस सारा कुछ नौ दस पिंड अपना पिंड दस पिंड तेरा केड़ा भाई वाहेगुरु जी का खालसा।